मैंने 3 बार अपनी कंपनी जो है बढ़ाई, बंद की चलाई, लेकिन फिर भी हौसला नहीं झुका, आगे बढ़ती रही। 52 साल की रश्मि सावंत अपने रूरल टूरिज्म बिजनेस के जरिए सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बना रही हैं। मुंबई में जन्मी और पली बड़ी रश्मि जब छोटी थी तो छुट्टियां मनाने कर्नाटक में अपने दादा दादी और नाना नानी के गांव जाया करती। मिट्टी से जुड़ा गांव का जीवन उन्हें बचपन से ही खूब प्रभावित करता था। जब रश्मि की खुद की बच्चियां हुई तो वह उन्हें भी शहरी जीवन से परे एक साधारण, सस्टेनेबल और ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव कराना चाहती थी। यहीं से उन्हें रूरल टूरिज्म बिजनेस का आइडिया आया और 2010 में उन्होंने कल्चर आंगन की शुरुआत की। कल्चर आंगन ये रूरल टूरिज्म यानी गांव में टूरिज्म फैलाने का काम करती है और मैं ज्यादातर जो है वो बचतगट महिलाओं के साथ काम करती हूँ। अपने काम के चलते जब रश्मि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे गांव में गई तो स्थानीय महिलाओं की कहानियों ने उनका दिल छू लिया। उन्होंने देखा कि ग्रामीण महिलाएं मेहनत करने के बावजूद आत्मनिर्भर नहीं थी। इनकी आमदनी बढ़ाने और इन्हें सक्षम बनाने के लिए तब रश्मि ने अलग अलग टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करना शुरू किया। गुरला गांव में महिलाओं ने इकट्ठा आके मैंग्रोव्स का जो है वो मैंग्रोव टूरिज्म शुरू किया है। कठपुतली कलाकारों का गांव है तो वहां पे महिलाओं, बच्चे और कठपुतली कलाकार इकट्ठा आके उन्होंने ट्रेनिंग ली और अभी जो है वो गांव पूरी तरह से जुटा हुआ है इस कला में। रश्मि से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं आज सशक्त होकर सफलता की नई कहानियां रच रही हैं। आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और फॉलो कर लीजिए द बेटर इंडिया हिंदी को।